चिंतित क्यों है? लक्ष्मण, उस रावण ने मेरी प्रिय का हरण करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इस अपराध का परिणाम उसे निश्चित ही भोगना होगा। जी हाँ प्रभु। जी प्रभु, हम सब आपकी सहायता करेंगे। हम यह प्रण लेते हैं कि हम माता सीता को वापस लेकर आएंगे। जय श्री राम। यह तो चिंता का विषय है, हम समुद्र को पार कैसे करेंगे? इसका एक ही उपाय है, हमें समुद्र पार करके लंका जाना होगा। मैं नल और नील से आग्रह करूंगा कि वे समुद्र में मार्ग बनाने में हमारी सहायता करें। जैसे आज्ञा प्रभु। सुदीप अपनी वानर सेना से यह कहूंगी कि वे प्रभु की सहायता करें। मैं समुद्र देव का स्मरण करूंगा और उनसे विनती करूंगा कि वह हमें समुद्र पार करने की अनुमति दे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम। जय श्री राम। प्रणाम समुद्र देव। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ प्रभु? हे समुद्र देव, रावण ने मेरी प्रिय का हरण कर लिया है। उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया हमें समुद्र पार करने की अनुमति दें। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, हमें यह कार्य शुरू करने की अनुमति दें। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान। कैसे पार करेंगे? पत्थर पत्थर इसका मात्र एक ही उपाय है, क्यों ना हम सभी पत्थरों पर श्री राम लिखें, फिर देखना इसका कमाल। अरे हाँ, जैसी आपकी इच्छा। मैं नल और नील से आग्रह करता हूँ कि वह हमें वह पत्थरों पर श्री राम लिखे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा।
राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अरे वाह, यह मार्ग तो तैयार हो गया। शाबाश नन्ही गिलहरियों, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। हे प्रभु, यह नन्ही गिलहरी आपकी क्या सहायता कर सकती है? नहीं हनुमान, ऐसा नहीं कहते। जितना काम तुमने किया है उतना ही काम इन नन्ही गिलहरियों ने भी किया है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आप मुझे कह रहे हैं प्रभु? जय श्री राम। जैसे कि आप जानते हैं, यह मार्ग तो तैयार हो गया है। अब इसकी प्रतिष्ठा करनी होगी। प्रभु, हम अभी अयोध्या से ब्राह्मणों को बुला लाते हैं। लेकिन लक्ष्मण, हम अयोध्या से कोई मदद नहीं ले सकते। प्रभु, मेरे पास इसका उपाय है। हमें रावण का मदद लेना होगा। जैसे हम सभी जानते हैं, रावण सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वह प्रातः काल में ब्राह्मण का प्रवृत्ति रखता है, दोपहर में क्षत्रिय और रात्रि में राक्षस का प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए हमें उसे प्रातः काल में उससे मिलना चाहिए। जैसा आप उचित समझे मुनिवर। मैं इस मार्ग को बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा।